हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेन। और स्ट्रेस को समझने के बाद में अब हम स्ट्रेन पे आते हैं, फिर दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही सवाल कि स्ट्रेन होता क्या है और इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो इसका जो सिंबल है वो होता है एप्साइलन, कुछ इस तरह से होता है, ई के जैसा ही दिखता है लेकिन होता यह है एप्साइलन। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, लेंथ की अगर बात करें तो, अगर एरिया की बात करोगे तो डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, अगर बात करेंगे वॉल्यूम के तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे जनरली लेंथ को ही कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। डेल्टा को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ही डेल्टा के लिखने के तरीके हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके फॉर्मूले की। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। स्ट्रेन का मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास में इस तरह की एक बार है, मान लो कि ये बार है, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह की आपके पास में बार है, इस पे आपने लोड लगाया टेंसाइल, मान लो पी अमाउंट का लोड आपने दोनों तरफ लगाया, तो अब होगा क्या कि ये बार है कुछ लंबी हो जाएगी। इसको यहीं से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मान लीजिए कि इसकी फाइनल लेंथ यहाँ तक चली गई है, ठीक है। तो अब जो लेंथ में इंक्रीज हुआ, आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, तो ये आ जाएगी क्या डेल्टा एल। ये एल पहले थी तो ये एल यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक की टोटल लेंथ देखूँ तो वो हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, अब अगर आप देखते हो कि चेंज कितना हुआ, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है स्ट्रेन का, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि चेंज इन ओरिजिनल लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे जो इनिशियल लेंथ थी उसको एल कहा है, आप चाहो तो इसको एल नॉट बोल दो, आप चाहो तो इसको एल इनिशियल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, और जो बात करें डेफिनेशन की तो डेफिनेशन हो जाएगी डेल्टा एल अपॉन एल। इसको अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में बोल दूँ तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो छोटे मोटे आपके जेएन के एग्जाम होते हैं उनमें ये चीज़ पूछी जाती है कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे ऊपर क्या है डेल्टा एल और नीचे क्या है एल। मान लो कि पहले जो लंबाई थी वो थी 5 मीटर, बाद में डेल्टा एल बढ़ गई कितनी, मान लो कि इसमें 0.4 मीटर जो है वो बढ़ गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 5.4 मीटर हो गई। अब इसी से आप निकालने की कोशिश करो डेल्टा एल कितना हुआ, डेल्टा एल आपका हो जाएगा 0.4 मीटर में, और इधर अगर चले एल तो एल हो जाएगा आपका कितना 5 मीटर। अब ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि इसके जो यूनिट है वो हो जाएगी हमारी यूनिट लेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेन जो है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर एरिया होता है तो नीचे भी वॉल्यूम वो एरिया होता है, और वॉल्यूम होता है ऊपर तो नीचे भी वॉल्यूम होता है, इसलिए जो यूनिट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और अल्टीमेटली ये यूनिटलेस क्वांटिटी आपको निकल के आती है। ठीक है, तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हम हमारे बोर्ड को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये हमें आज देखो नया फीचर मिल गया है, पिछले लेसन में हमें नहीं पता था, इस लेसन में हमें पता लग गया, तो मिटाने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम हमारा बच जाएगा। अब फिर से आ जाते हैं इस पर क्या टाइप्स के ऊपर। तो सेम तरह के टाइप्स यहाँ भी होंगे जो हमने स्ट्रेस के लिए पढ़े हैं। पहला जो है हमारा वो हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और इसी को हम बोल देंगे क्या नॉमिनल स्ट्रेन। सेकंड जो टाइप था हमारा वो यहाँ पे भी रहेगा, उसको हमने बोला था क्या ट्रू स्ट्रेन, और इसी को हम बोल देंगे क्या एक्चुअल स्ट्रेन। तो सेम टाइप है जो स्ट्रेस में थे वही स्ट्रेन में है। अब आ जाते हैं इनके फॉर्मूले पे। तो वही ट्रिक जो मैंने आपको वहाँ बताई थी, ई एन पकड़ो, यहाँ से एन आया, एन को उठाया हमने तो ये बन गया नॉमिनल, नॉमिनल में हमने एन और ओ उठाया था, ओ उठाया तो आया था ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा एप्साइलन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल नोट। एल नोट अगर आ गया नीचे तो ये आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इसको नॉमिनल स्ट्रेन भी कह सकते हो, उसी तरीके से आ जाएगा, उसी ट्रिक से आ जाएगा।
ट्रू की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा एप्साइलन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल एक्चुअल। इस एक्चुअल को आप कह सकते हो एल फाइनल, जो लास्ट में हमारे पास में निकल के आई है लेंथ, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर बात करें रिलेशन की, तो जैसे मैंने एरिया के लिए आपको रिलेशन बताया था, वैसे ही आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हैं कि आपका जो एल एक्चुअल है वो हो जाएगा आपका एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल। अब ये कैसे होगा, अगर आपका टेंसाइल लोड आपने लगाया है तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये प्लस का साइन काम आएगा। अगर आपने कंप्रेसिव लोड लगाया है तो लेंथ आपकी कम हो जाएगी, तो आपका नेगेटिव साइन काम आ जाएगा। राइट, तो चीज़ें सिमिलर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जिसमें मैं आपको सीधा सा एक प्रिज्मेटिक बार है जिसका डेटा मैं आपको बता देता हूँ। इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो आ जाएगा आपका 20 mm इंटू 40 mm। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी आपकी 2.8 मीटर। उसके बाद में यहाँ पे जो टेंसाइल लोड है पी, वो लग रहा है कितना, वो लग रहा है 70 kN का। इसको हम ज़ीरो लिख देते हैं। ठीक है, 70 kN है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इलोंगेशन ऑफ द बार जो है, यानी कि डेल्टा एल जो है, वो आपको दिया है 1.2 mm का। राइट, अब आपको निकालना क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, दो चीज़ें निकालनी है। तो आ जाते हैं फॉर्मूले पे, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन में ए। तो पी यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 70 kN। इसको पहले मैं ऐसे ही लिखता हूँ, फिर कन्वर्ट करेंगे। एरिया क्या है आपका, 20 × 40, और ये क्या है आपका mm स्क्वायर में। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए, हमें जो पता है वो हमें दो चीज़ें पता है, हमें पता है न्यूटन पर mm स्क्वायर और हमें पता है मेगा पास्कल। एक न्यूटन पर mm स्क्वायर में एक मेगा पास्कल होता है, तो ये दोनों यूनिट बराबर हैं। तो यहाँ से हम ये वाली उठा लेते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो करेंगे देखिए कैसे, 70 × kN, किलो का मतलब 10⁻³, तो ये बन गया न्यूटन में। अब डिवाइड कर दो 20 × 40, और यहाँ पे क्या है mm स्क्वायर, mm को हमें रखना है mm में, तो इसको एज इट इज रख लेंगे। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, देखो ये जीरो उड़ जाएगी इससे। और यहाँ से अगर आप बात करें इसको और अच्छे से लिखें, तो 7 × इसको आप 1000 कर सकते हो, और यहाँ पे 20 × 4 बच जाएगा। इसको आप और काट सकते हो, ये हो जाएगा 25 0। ठीक है, यहाँ से ये ज़ीरो है, इसको यहाँ से इस तरह, अच्छा ये ऑलरेडी उड़ गया है, तो ये ज़ीरो तो आप हटाई दीजिए, क्योंकि ये ज़ीरो हम ऑलरेडी काट चुके थे। ठीक है, तो अब ये बच गया, इसको और आप काट दो तो ये आ जाएगा आपका 125। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका आंसर 87.5 N/mm², और इसी को आप बोल दोगे मेगा पास्कल। राइट, तो ये आपका सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जेएन के एग्जाम में जनरली एक स्टेप के ही क्वेश्चन आते हैं, एक या मैक्सिमम दो, इतने आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें स्ट्रेन की, तो एप्साइलन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल यहाँ पे आपको दे रखा है 1.2 mm। ठीक है, यूनिट लिख के चलो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा। और बात करें एल की, तो ये हो जाएगा 2.8 मीटर। अब इसको आगे ले जाते हैं हम, 1.2 mm और 2.8 मीटर, यानी कि 2.8 × 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, यानी कि 10⁻³। राइट, ये हो गया। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करके सोल्व कर सकते हो, तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.285 × 10⁻⁴। ये आ जाएगा, और यूनिट क्या होगी इसकी, तो ये हो जाएगा यूनिट लेस, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह के सिंपल से न्यूमेरिकल्स आपके पास में आ सकते हैं। तो आपको यूनिट्स अगर पता है तो आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। बेसिक से फॉर्मूले हैं, आगे हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे, इसको डिफिकल्ट बनाएंगे। जब हम इन दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे, वहाँ पे ई का भी रोल आएगा, वहाँ पे फॉर्मूला जो है वहाँ देखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम इनमें रिलेशन निकालेंगे, इधर से पी बाई ए और यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल, फिर इनको हम सोल्व करेंगे आपस में ई से रिलेशन निकाल के, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसकी भी हम ट्रिक्स बनाएंगे, जहाँ पे समझने की ज़रूरत है समझेंगे, जहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रिक्स बनाएंगे। स्ट्रेन सिंपल है वैसे तो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे बाद में। ये लेक्चर इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।